नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। झालावाड़ जिले की गंगधार थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए करीब 1 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गश्त के दौरान बीती रात्रि को चौमेला कस्बे के कोलवी रोड से चौमेला निवासी रईस खान को करीब 1 किलो 500 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच की कार्रवाई कर रही है। प्रारंभिक जांच में अभियुक्त ने मध्य प्रदेश के शामगढ़ से गांजा लाना बताया है। आगे और भी खुलासा होने की संभावना है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विशेष कैंप वो चला अभियान चला रखा है, जिसमें अवैध मादक पदार्थ के जो भी तस्कर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिले लेवल पर सभी थानाधिकारी को निर्देशित किया गया है और थाना स्तर पर टीम गठित की गई है। इसी क्रम में कल शाम को कल 7:30 के लगभग एक व्यक्ति रईस खां पुत्र कालू खां निवासी गायत्री मंदिर चौमेला को पकड़ा, जिससे तलाशी में कुल 1 किलो 525 ग्राम गांजा मिला है। इसके खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। सर, इसमें और भी कोई खुलासा होने की संभावना है क्या? बिल्कुल, इसके नेटवर्क जो प्रथम दृष्टया इसका एमपी से माल लेना बता रहा है, एमपी शामगढ़ से तार जुड़े हुए हैं, वहाँ के जो संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। इससे जो भी नेटवर्क होगा उसका पूरे को ट्रेस किया जाएगा। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।